जिले को दिया, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को दिया, मैं और पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश आपका तहे दिल से आभारी है, ऋणी है। अध्यक्ष जी, हमारे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से हम आपको धन्यवाद दें। बहुत सारे लोग स्टेज पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, मैं नाम लूँगा किसी न किसी का रह जाएगा, सामने तो नहीं बोलेगा लेकिन बाद में कोसेगा कि मेरा नाम नहीं लिया। मैं ज़िलेवार नाम ले लेता हूँ। हमारे बीच में गाज़ियाबाद ज़िले के जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं, हमारे बीच में मेरठ ज़िला, हापुड़ ज़िला, संभल ज़िला, मुरादाबाद ज़िला, रामपुर ज़िला, बिजनौर ज़िला, सहारनपुर ज़िला, बैठ के पीऊँगा। गौतम बुद्ध नगर ज़िला के जिम्मेदार लोग जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों की अगुवाई में यहाँ आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ख़ासतौर पर अमरोहा ज़िला के लोगों का मैं विशेष तौर पर धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने कम समय में आज इतना अच्छा कार्यक्रम किया। पदयात्रा में भी बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और आप लोग इस जनसभा में भी इकट्ठे हैं और पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे भाइयों और बुज़ुर्गों के साथ साथ हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, ज़्यादातर मेरी बेटी की उम्र की होगी और कुछ बहन की उम्र की भी लग रही हैं, तो हमारी बहन बेटियाँ बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि घर में काम छोड़ के आप आई, आपको अभी जाके घर में बहुत काम करना है, तो मैं आपका भी सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, ये भारत जोड़ो यात्रा आप जानते हैं कि 7 सितंबर को हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई और वो बराबर चल रही। उस पदयात्रा में हमारी चेयरपर्सन CWC की श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय ब्रजलाल खाबरी जी उस यात्रा में शामिल हुए हैं। तमाम और नेता हमारे जो प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, सभी लोग शामिल हुए उसी से प्रेरणा लेकर। क्योंकि एक जानकारी मैं दे दूं कि संभवतः तय हो चुका है कि अगले महीने की 3 तारीख को माननीय राहुल जी के नेतृत्व में जो पदयात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी वो आपके उत्तर प्रदेश में आ रही है। वो 3 तारीख को गाजियाबाद जिले में प्रवेश करेगी दिल्ली से। आपने यहाँ दिखा दिया, इससे बड़ी तादाद में माननीय राहुल जी के स्वागत के लिए, भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष की अखंडता के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए आपको वहाँ पहुँचना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहाँ तक पदयात्रा की बात करूँ, पदयात्रा का उद्देश्य हमारे पत्रकार पूछते हैं क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, गन्ना किसान हो या रबी या खरीफ का किसान हो, क्या हो रहा है, उसका मूल्य नहीं दिया जा रहा है। और अगर जो मूल्य बढ़ाने की दूर की बात, जो मूल्य जो किसानों को लागत भी नहीं निकल रही, उतना पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। आज किसानों के क्या हाल है, बच्चे उनके पढ़ नहीं पा रहे, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। आज हमारे पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे युवक और हमारी बेटियां रोजगार की तलाश में भटक रही, मजदूरी मिल नहीं रही। भाई, महंगाई चरम सीमा पर है। जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2014 से पहले, तो मेरी बहनों गैस सिलेंडर के रेट 400 रुपये हो गए, तो आज एक जो मंत्री है केंद्र में, महिला मंत्री हमारी बहन है, उस बहन मंत्री ने कह, उस वक्त बहन मंत्री नहीं थी, कहने लगी हम प्रधानमंत्री को चूड़ी भेज रहे हैं। अरे बहन जी, आज तो 1200 रुपये हो गया गैस सिलेंडर की, अब किसको चूड़ी भेज रही हैं आप। कमाल की बात है मेरी बहनों, कमर तोड़ दिया, रसोई और आपको चलाना है, घर आपको चलाना है,
दुहाई देते हैं कि हम महिलाओं के साथ, महिलाओं का जितना उत्पीड़न हुआ है कभी नहीं हुआ। आज क्या हो रहा है? आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ प्रेस मीडिया के लोग खड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन अधिकांश मीडिया, पूरा नहीं, अधिकांश मीडिया, कोई टीवी डिबेट हुआ, कहीं कोई बात हुई तो बात शुरू होती है हिंदू मुस्लिम से, बात शुरू होती है मंदिर मस्जिद से। अरे भाई, इससे पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे? कांग्रेस की सरकारों में हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे क्या? कांग्रेस की सरकारों में यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं थे क्या? था कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में गंगा जमनी तहजीब थी। क्या है गंगा जमनी तहजीब? गंगा जमनी तहजीब यह है कि अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, और अगर मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। यह तहजीब कांग्रेस पार्टी ने पैदा की। क्या यह तहजीब आज है? आज है, बुरी हालत है, नोट कर लो। ऐसे ही नहीं भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले, ये किसानों के लिए है, ये महंगाई के खिलाफ है, ये बेरोजगारी के खिलाफ है, ये महिलाओं के सम्मान में है, ये जो है व्यापारियों के सम्मान में। क्या कर रहे हो आजकल? मैं तो सीधा कहता हूँ कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी और झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, हमको भारत को टूटने नहीं होगा। आज ये तहरीक लेकर के, आज ये आंदोलन लेकर के।